अब देखो प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में आप पढ़े होंगे या मैं पढ़ाया हूं या सर जो इसे पहले पढ़ाए थे, ओरिजिनेट ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही आप इसमें पढ़ोगे पृथ्वी की उत्पत्ति, या आप पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले आप इसमें पढ़ोगे सूर्य की उत्पत्ति। सूर्य की उत्पत्ति यानी क्या, ओरिजिनेट ऑफ सन। और इसी नंबर हो गया ओरिजिनेट ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कोई शर्माने की बात नहीं है न कोई दोहराने की बात है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति, अब पृथ्वी की उत्पत्ति पर ही, पृथ्वी की उत्पत्ति जब होगी तभी ना जीवन की उत्पत्ति। तो इसमें ओरिजिनेट ऑफ लाइफ जीवन की उत्पत्ति, और जीवन की उत्पत्ति होता है तो ओरिजिनेट ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीव की उत्पत्ति। और जब जीव की उत्पत्ति होगा तो एक कोशीय जीव की उत्पत्ति यानी यूनि सेलुलर यानी एक कोशीय जीव की उत्पत्ति। एक कोशीय जीव की उत्पत्ति, एक कोशीय जीव बाद में चल करके यही परिवर्तन हो जाता है मल्टी सेलर, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशीय जीव और यही बहुकोशीय जीव जो हमारा पूर्वज एंसेस्टर है रामापिटेकस ये रामापिटेकस क्या है, फर्स्ट मंकी यही रामापिटेकस चेंज इनटू ह्यूमन, चेंज इनटू ह्यूमन, ह्यूमन यानी ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। क्या नाम है, होमो सेपियंस। तो आप देख रहे हो जैसे कि धर्म के अनुसार कहता है हिंदी धर्म में हिंदी फिलोसफी कहता है जो इस सृष्टि का संरचना करने वाले ब्रह्मा है, मुस्लिम धर्म के अनुसार कहता है आदम और हव्वा है, हिंदू मत मानने वाले कहता है कि धरती पर मनु और शत्रुपा नाम की नर और नारी आई जिसने सृष्टि का संरचना की, लेकिन हिस्टोरियन कहता नहीं ये संसार की उत्पत्ति अपने आप हुआ।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक ज्योग्राफिकल इवेंट है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या है? एक ज्योग्राफिकल इवेंट है, एक भौगोलिक इवेंट है। ठीक है, तो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ है वह हम पढ़ेंगे किसमें? एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत के इतिहास। सूर्य की उत्पत्ति है कितना? 9 ग्रह की उत्पत्ति होता है। ब्रह्मांड बोले तो 9 ग्रह, 9 प्लैनेट्स। देयर आर 9 प्लैनेट्स इन यूनिवर्स। 9 प्लैनेट्स में से जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलर, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लैनेट इज सन। व्हाई वी से दैट सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन द यूनिवर्स? जो प्लैनेट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति में, ब्रह्मांड में सबसे सूर्य की उत्पत्ति सबसे इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है? क्योंकि सूर्य को इसीलिए इंपॉर्टेंट माना गया है कि सूर्य की उत्पत्ति, सूर्य सन इज द मेन रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, पावर हाउस ऑफ द एनर्जी। एंड इन अदर वर्ड यू कैन से दैट अबाउट सन, सन इज द मास्टर ऑफ ऑल प्लैनेट्स। ओके, मैग्नेटिक फोर्सेज इसका एग्जांपल है कि सन किसी, सन के चक्कर जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह 8 ग्रह सभी सन के चक्कर लगाते हैं। सन अपने एक्सिस पर कांस्टेंट रहता है और पृथ्वी भी उसके चक्कर लगाते हैं और जितने भी ग्रह हैं, बृहस्पति हो, मंगल हो, शुक्र हो, जितने भी ग्रह हैं सभी सन को चक्कर लगाते हैं और सन सभी को कंट्रोल है। तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सन के बाद जो इंपोर्टेंट ग्रह हो जाता है वो हो जाता है पृथ्वी, अर्थ। जब अर्थ है तभी अर्थ पर लाइफ संभव हो, जीवन की उत्पत्ति। और जब जीवन की उत्पत्ति हुआ तो जीव की उत्पत्ति, जीव के उत्पत्ति में एक कोशीय जीव जिसका उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम की जब उत्पत्ति हो जाती है तो उसी जीव में फिर यही एक कोशीय जीव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, बहुकोशीय जीव। और यही बहुकोशीय जीव रामापिथेकस जो फर्स्ट मंकी है, जो ह्यूमन का एंसेस्टर है, पूर्वज है। कि आपको एग्जाम में जो पूछेगा कि मानव का आधुनिक नाम या मानव का साइंटिफिक नेम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ह्यूमन साइंटिफिक नेम, तो होमो सेपियंस। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये। दूसरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि एक कोशीय जीव का जो उत्पत्ति हुआ वह एक कोशीय जीव कौन सा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो वह बात करेंगे हम लोग अमीबा और पैरामीशियम।